नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। भाइयों जैसे कि आप देख पा रहे हो ये सुंदर सा पेंडल ये आपके सामने ये रहा। अभी हम हैं केएनसी रोड पे, ये इनका मेन रोड जो है कोलकाता का बरासत का जो केएनसी रोड आपने जाने होंगे यही है केएनसी रोड का ये मेन रोड है और ये सामने उनका पेंडल रहा। चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं। मेन जो एंट्रेंस है ये है, ये सामने देखिए बहुत सुंदर सा एक एंट्रेंस गेट बना है और भीड़ आज लगभग लगभग स्टार्ट हो चुका है। ये आपकी अंदर लेके चल रहे हैं आपको, ये आप भाई साहब ये जो खूबसूरत सा पंडाल आप सामने देख पा रहे होंगे ये जो काली पंडाल है केएनसी जो क्लब है उनके द्वारा बनाया गया त्रिदेव है जो आप ब्रह्मा उस कोने में देख सकते हैं और यहाँ पे महादेव और ये नारायण जो भगवान नारायण जो पानी के अंदर सांप के ऊपर सोए हुए हैं मिलेंगे यहाँ पे। ये एक तालाब बनाया गया है ऊपर से आप पानी ऊपर से झरता हुआ ये सामने देख सकते हो और ये सुंदर सा अट्रैक्टिव भरा जो पंडाल ये आप देख पा रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है और लाइटिंग के जरिए से और सुंदर लगता है ये पंडाल। अगर आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए तो मैं आपको ये बता दूँ यहाँ पे जो नियरेस्ट जो रेलवे स्टेशन है बरासत है, बरासत से करीबन 2-2.5 किलोमीटर के अंदर है और नियरेस्ट बस स्टॉप जो है ये भी आपको बरासत है वो भी आपको कोई 2-2.5 किलोमीटर है बट यहाँ से आपको टोटो और ऑटो अगर आप ले सकते हैं वहाँ पे आ सकते हैं। अगर लोकल वाले हैं तो बाइक में भी आ सकते हैं, बाइक या कार या कैब जैसे भी करके यहाँ पर का फैसिलिटी अवेलेबल है। और ये साइड होगा ये एंट्रेंस के लिए है और एग्जिट बाहर की तरफ है। ये आप एक बार नज़र मार लीजिए इस पंडाल के ऊपर, लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं इस सुंदर सा पल को अपने अपने मेमोरी में कैद करना चाहते हैं। ये चारों तरफ आपको मैं दिखा रहा हूँ दृश्य और इस साइड से मेन एंट्रेंस है ये आपको मैंने पहले दिखा चुका हूँ और ये चारों तरफ का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। ये टॉप में एक घोड़ा के घोड़ा और ये उसके ऊपर एक थीम बनाया गया है और ये ऊपर वाला दिख पा रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा ये रामकृष्ण परमहंस जी और सरला माता का जो जो प्रतिमूर्ति यहाँ पे सबसे टॉप में बनाया गया है और ये है। बाकी चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं और ये जो चारों तरफ का चित्र मैं आपको थोड़ा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ ये देखिए बहुत सुंदर तरीका से डिजाइन किया गया है इसका। लोग यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं और ये इसका मेन पंडाल का एंट्रेंस ये बहुत ही सुंदर यहाँ पे झुमरों के साथ और चार चांद लगाता हुआ ये पंडाल। चलिए हम आपको ये दिखते रहिए बहुत ही श्रद्धालु कहोगे या भक्त कहोगे जो काली माँ की दर्शन के लिए यहाँ पे इतना दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे बस इस काली माँ को दर्शन करने के लिए ये सामने रहा बहुत ही सुंदर तरीका से इस पंडाल को बनाया गया। मैं थोड़ा क्लोज ले रहा हूँ आपको इस सामने भव्य भरी पंडाल जो आप देख पा रहे होंगे ये भी और इस पंडाल का चारों तरफ मैं आपको एक बार दिखा दूं ये ऊपर वाला हिस्सा आप तो देख लीजिए जितने भी सारे पंडाल आप देखते हैं बहुत थीम बेस्ट होता है और भीड़ आपको कोलकाता में आएंगे तो बहुत मिलेगा ही मिलेगा। और ये चारों तरफ का दृश्य और चित्र जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ और भीड़ आप इस साइड से आप देखेंगे तो करीबन इतना भीड़ नहीं है लेकिन भीड़ है आपको ये नहीं कह सकते कि भीड़ नहीं है बिल्कुल बट भीड़ है बट कंपेरेटिवली इतना नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जितना उतना अभी तक का भीड़ यहाँ पे है ही नहीं। भाई शाम का टाइम है अभी
और लोग अभी आना आना धीरे धीरे चालू हो रहे हैं। बाकी चलिए मैं थोड़ा आपको बाहर की साइड का जो दृश्य आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। बाकी अंदर का साइड तो आपको सारे चीज़ दिखा चुका हूँ, फिर भी आप एक बार नज़र मान लीजिए। ये जस्ट जो पंडल के बाहर एक मोमो शॉप है और एक बच्चों के लिए खेलने के लिए इस साइड में आप एक देखने को मिल जाएगा, और ये एक छोटा सा गोल गोल घूमता हुआ बच्चे लोग जो बैठ के खेलते हैं ये मिल जाएगा। छोटा छोटा पैंडल है, छोटा छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पे खाने पीने के लिए, और यहाँ पे फूड कोर्ट बड़ा सा लगाया। अगर खाने पीने का शौकीन है, अगर घूम घूम के थक गए होंगे तो यहाँ पे आइए, थोड़ा खाना पीना करिए, फिर आपको फिर घूमते रहिए। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पे अगर चाय वाले होंगे, चाय लव के लिए सबसे फेमस चाय यहाँ पे मिलता है। चाय का टेस्ट तो करना पड़ेगा भाइयों, बहुत पैसा खर्चा करते हैं भाई यहाँ पे। जितना भी पैंडल्स है ना, आप दुर्गा पूजा में भी देखे होंगे और काली पूजा का टाइम अभी चल रहा है, बहुत पैसा खर्चा होता है इस पैंडल पे। बाकी थैंक यू आप लोगों ने हमारे साथ यहाँ तक जुड़े रहे, बाकी थैंक यू आप लोगों ने लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया। वक्त आ चुका है आप अलविदा लेने के लिए, फिर वापस आएंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक टाटा बाय बाय, नमस्कार दोस्तों।